बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेसिपी दूंगी मार्बल केक की विथ फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग करूँगी मैं इस पर। तो मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा और इसको हम छानेंगे। तो इसी के अंदर मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, ये देखिए चुटकी भर मैं इसमें डालूंगी नमक। बहुत ही मज़े का बनता है मार्बल केक। आप फ्रॉस्टिंग ना भी करें तब भी ये देखने में बहुत टेम्पटिंग लगता है, अच्छा लगता है। बेसिकली ये टी टाइम स्नैक है, टी टाइम केक होता है ये। तो देखिए मैंने छान लिया है, आटे को साइड पर रख देंगे। अब इसमें 2 अंडे डालूंगी मैं बाउल में और इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाएगा, तब तक हमें इसको फेंटना है। ये देखिए फ्लफ़ी हो गया ये, बस हमें ये ऐसे ही चाहिए। ये देखिए इतना फ्लफ़ी हो जाना चाहिए ये, तब तक हमें इसको बीट करना है। ये देखिए 1 कप चीनी ली है मैंने पिसी हुई, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, कोई लम्स ना रहे इसमें। अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे हम। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हो गया है, हल हो गई हमारी चीनी इसमें अंडों में। ये 1/2 कप मेरे पास घी है, ये लिया है मैंने, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है, अच्छा गाढ़ा बैटर बन जाएगा ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कैसा थिक सा बैटर तैयार हो गया है हमारा। अब इसमें हम आटा डालेंगे, मैदा जो हमने छान के रखा है थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए हम इसमें दूध भी डालेंगे। मैंने दूध लिया है 1/2 कप। ये देखिए जहाँ हमें लगे कि ये टाइट हो रहा है, चल नहीं रहा विक्स, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। बहुत अच्छा सा इसको हम बैटर बना लेंगे। ये देखिए मैंने 1/2 कप दूध लिया है, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ये बैटर सख्त हो रहा है, तब हम इसमें दूध डालेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए। सारा दूध एकदम से नहीं डालेंगे इसमें हम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे इसको, बीट करते जाएंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा ये टाइट है अभी भी, इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी, और इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से फोल्ड करूंगी। ये देखिए इस तरीके से, और यह हमारा केक का बैटर हो गया तैयार। ये देखिए कितना स्मूथ बना है ये, कंसिस्टेंसी देखिए इसकी। ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी आ गई है। अब मैंने दूसरा बाउल लिया है, उसमें ये 1/2 निकाल दूंगी मैं, आधा निकाल दूंगी मैं दूसरे बाउल में। सही, अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, ये मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये जो बचा हुआ दूध है ये भी हम इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है केक मोल्ड, इसमें मैंने ग्रीस करके घी लगा के बटर पेपर लगा दिया है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे कि पहले एक सफ़ेद वाला बैटर डालेंगे, ये वाला बैटर हम एक वो डाल देंगे थोड़ा सा डाल के, फिर इसमें ये चॉकलेट वाला बैटर
कोको पाउडर वाला बैटर डालेंगे, फिर ऐसे ही इसकी लेयर लगाते जाएंगे। पहले सादा लेयर लगाएंगे, फिर कोको पाउडर वाली लेयर लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरी लेयर लगा देंगे इसकी। ये देखिए मैंने लगा दी है। अभी चमची की मदद से मैं ऊपर ये इसको मिक्स कर रही हूँ, सब जगह पहुँचे, एक जैसा हो जाए। तो ये देखिए ये हो गया है। अभी मैंने 200 डिग्री पर इसको प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए, और मैं इसको रख रही हूँ 45 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पर बेक होने के लिए। तो ये बेक भी हो गया है। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है टावल से और ठंडा होने तक। ये देखिए अब ठंडा हो गया है ये, और मैंने इसका बटर पेपर निकाल दिया है। अब इसको मैं कट कर लूँगी बीच में से। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है इसको। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है इसकी। अब मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और ये इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे चॉकलेट को। ये चॉकलेट कुकिंग चॉकलेट है। ये स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब मैं इसको दोनों को एक के ऊपर एक रख दूँगी। ये देखिए मैंने रख दिया है। और मैंने यही चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की है, इसी चॉकलेट से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर रहे हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें, नहीं करें तब भी अच्छा लगेगा। ये कोई मसला नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन बना दूँगी। तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब स्पैचुला की मदद से मैं जो ऊपर ये चॉकलेट है इसको स्मूथ कर लूँगी टॉप पर। ये देखिए इस तरीके से। ये स्मूथ हो गई है। अब मैंने वाइट चॉकलेट भी पिघला के रखी हुई है, मेल्ट की हुई है, उसकी मदद से मैं इसके ऊपर फ्लावर्स बना दूंगी। पहले मैं बेस पे फ्लावर्स बनाऊंगी, फिर टॉप पे बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ, ये बेस पर इस तरीके से। तो ये मैंने बना लिया है पूरे पर। अब टॉप पर भी मैं इसके फ्लावर्स बना दूंगी। देखिए मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा रही हूँ, और बीच में मैं इसके चेरी लगाऊंगी। और ये मेरे पास बीड्स हैं, ये भी चॉकलेट बीड्स हैं सिल्वर में, तो ये मैं इसमें लगा दूंगी। तो ये केक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो इसमें लगाना चाहें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत केक तैयार हो गया है हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो इसको एक ट्राई दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।